ईदी देने में भी आजकल ये ट्रेंड ये चल पड़ा है कि लोग जो है ना वही देते हैं जहां से वापसी की भी उम्मीद हो, लिहाजा किसी को इस नीयत से ईदी देना कि बदले में हमारे भी बच्चों को देगा, तो ये तो शरण एक तरह से उधार कहलाएगा। ईदी तो एक खुशी के तौर पर दिया जाने वाला तोहफा है, बदले की नीयत नहीं होती। अगर कोई बदले की नीयत से दे रहा है तो दरहकीकत ईदी नहीं दे रहा, तोहफा नहीं दे रहा, वो तो कर्ज दे रहा, उधार दे रहा है, और बदले में लेने वालों पर भी उतना ही उधार वापस करना फिर जरूरी हो जाता है। याद, अगर कोई इस नीयत से दे रहा है तो ना दे, वो कर्ज है, वो उधार है, उसको तर्क करना जरूरी है। अल्लाह ना करे वो ना दे पाए या कम दे दे, तो बस औकात नागवारी का भी इजहार किया जाता है, तो इसलिए इससे गुरेज कर। हाँ, अगर कहीं इस किस्म की वापसी की कोई नीयत ना हो, खुशी से बच्चों को जो है ना, या अपने आइजा अकरीबा को कुछ आदमी हदीयतन जो है ईदी दे दे, तो कोई मुजायका की बात नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन वापसी की नीयत के साथ हो तो ये तर्ज अमल इस अमल को भी गलत बना देता है, नाजायज बना देता है, इसकी भी इस्लाह की जरूरत है।